नमस्कार दोस्तों, आपका फैन स्पीड नहीं दे रहा है और आप इसमें नया कैपेसिटर लगाना चाहते हैं या फिर इसके कनेक्शन आप भूल गए हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ 5 वायर हैं, 2 कैपेसिटर के और 3 फैन के, ठीक है। ये लाल वायर, ये नीला वायर और ये पीला वायर। तो इसमें दोस्तों जो कैपेसिटर लगा हुआ है क्लिक का, वो हटा देंगे, इसकी जगह पर दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। ये दोस्तों हैवेल्स कंपनी का है कैपेसिटर, वो भी 3.25 MFD का है और इतने MFD का है, इसमें पहले से ही लगा हुआ था, तो उसकी जगह पर ये कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो पहले से ही कैपेसिटर लगा हुआ था, देखिए 3.25 MFD का ही इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, इसीलिए इसमें 3.25 का ही लगाया है। जो आपके में कैपेसिटर लगा हुआ है वो ही आपको इसमें लगाना है। तो ये सबसे ऊपर लगाएंगे लाल वायर को, ठीक है। जो सॉकेट में कसेंगे वो सबसे ऊपर वाली पिन पर लाल वायर को कस देंगे। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीका से लाल वायर को सबसे ऊपर पिन पर कस दिया है। अब इसमें 2 वायर बची हुई हैं, ठीक है, एक पीले कलर की और एक नीले कलर की, ठीक है। तो इन दोनों वायरों में, इन दोनों कैपेसिटर के वायरों को लगा देना है इस तरीका से। एक वायर लगा दिया है पीले वायर में और ये दूसरा वायर लगा देंगे नीले वायर में, इस तरह से उमेट देना है। तो अब इन दोनों वायरों को लगा देना है सॉकेट में, ठीक है। तो बीच वाली पिन पर लगाएंगे नीला वायर और एक कैपेसिटर का वायर। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो नीले और कैपेसिटर के वायर को बीच वाली पिन पर कस लिया है। अब इसमें बचा हुआ है पीला वायर और कैपेसिटर का वायर, तो इसको सबसे नीचे वाली पिन पर कसना है। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं, उसके बाद में इसको चेक करके दिखाएंगे। तो इस तरीका से इस वायर को कस लिया है। उसके बाद में देखिए जो ये 2 पिनें हैं, ये बिजली की ही पिन है, तो इनमें दोनों वायर लगाते हैं मेन लीड के, मतलब बिजली वाली केबल के। तो चलिए इनको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से दोनों वायरों को कस लिया है। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा ऊपर उठा लेंगे इस तरीका से। तो चलिए अब इसको बिजली में लगाते हैं। देखिए फैन है वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, मतलब एकदम से सीधा घूम रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप फैन के और कैपेसिटर के कनेक्शन कर सकते हैं।